मोकामा में जगदीशपुर बरौनी गैस पाइपलाइन परियोजना को लेकर किसानों का असंतोष थमने का नाम नहीं ले रहा। मोकामा के मरांची में किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि जगदीशपुर बरौनी गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत बिछाए जाने वाली पाइप के लिए ना तो उनके जमीन का अधिग्रहण किया गया है और ना ही कोई नोटिस थमाया गया है। किसान नेता अरविंद सिंह ने बताया कि बढ़िया टाल होते हुए पाइप को मरांची टाल में बिछाया जा रहा है, साथ ही दलहनी फसलों की बुआई होने के बाद किसानों के खेत में लगी फसल को नष्ट कर पाइप बिछाई जा रही है। देखिए, ये समस्या तो बहुत गंभीर है हम लोगों के सामने में। पहले तो मरांची के आवासीय जमीन से ही ले जाना चाहा था, तो वहाँ हम लोग ने विरोध किया। एसटीओ आए, बाढ़ अनुमंडलाधिकारी, विभाग के लोगों के बीच किसानों के साथ बैठक हुई। हम सब लोगों को कहा गया था कि बिना किसानों के सहमति से और बिना बातचीत किए कोई काम नहीं करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, टाल में कोई किसान रहते नहीं हैं। हम लोगों का खेत को बर्बाद कर दिया गया है। फसल जो बोया हमारे खेत में गाड़ी चला करके चूर दिया गया है, दो बार बहुत किया, और ये मैंने वादा खिलाफी काम हो रहा है। जो बात तय हो चुकी है अनुमंडलाधिकारी, गैस पाइपलाइन और मरांची के किसान, हम सब लोगों के बीच में एक सहमति बनी थी और उस सहमति का उल्लंघन गैस पाइपलाइन कर रहा है। आप लोगों को पाइपलाइन वाले टाल में कोई किसान रहते नहीं हैं और ये बिना किसी को नोटिस किए दलहन का बुआई किया हुआ खेत को ये रौंद दिया है। गाड़ी ले जाके किसान तो ऐसे ही मरा हुआ है, उसको और बुरी तरह बर्बाद कर दिया है। लगा हुआ फसल में देख लीजिए कितना खाली गाड़ी वाला ले जाके फसल को एकदम बर्बाद कर दिया, और न कोई नोटिस दिया है, न कभी सूचना दिया कि हम काम करने के लिए आ रहे हैं, जबकि पहले गच लिया था कि हम सूचना दे के आपके खेत पर जाएंगे, ऐसा न एक पैसा मुआवजा दिया है।